तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, अरजान जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। '86 फिल्म फेयर के लिए राम तेरी गंगा मैली और सागर को दिए गए 10-10 नॉमिनेशंस। राम तेरी गंगा मैली ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर समेत जीते 5 फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म मेरी जंग और तवायस को मिले 7-7 नॉमिनेशन। दोस्तों, हर बार की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत एंटरटेनिंग है। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1985 के बेस्ट साउंड डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया ए राधा स्वामी साहब को फिल्म शिवा का इंसाफ। अंदर मेरे संदूक रखा है और उस संदूक में एक खाली कैरी है। बेस्ट एडिटिंग का फिल्म फेयर दिया गया राज कपूर साहब को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। रुपयों के आगे अपना बेटा नजर नहीं आता और बेटे को रुपयों के पीछे अपना बाप नहीं दिखता। 1986 के फिल्म फेयर के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का फिल्म फेयर दिया गया एस एम अनवर साहब को फिल्म सागर के लिए। मेरी शादी हो रही और चूहों को शक्कर चाहिए। अरे वाह, तीनों स्टोरियां ऐसे मिक्स हो गई हैं जैसे चाय दूध और शक्कर। 1986 के फिल्म फेयर के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया सुरेश जे सावंत साहब को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के बीचों बीच लाखों की जमीन पे करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी आपकी। सिर्फ मेरी नहीं, हमारी। 1985 की बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में पहला नॉमिनेशन दिया गया एस जानकी जी को फिल्म साहेब के लिए। के बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में दूसरा नॉमिनेशन दिया गया कविता कृष्णा मूर्ति साहिबा को फिल्म प्यार झुकता नहीं। 1985 की बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में फिल्म फेयर दिया गया अनुराधा पौडवाल जी को फिल्म उत्सव के लिए। 1985 बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का पहला नॉमिनेशन दिया गया सुरेश वाडकर साहब को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। को देखोगे जहां तक मुझको पाओगे वहां। 1985 के बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया शब्बीर कुमार साहब को फिल्म प्यार झुकता नहीं। 1985 के बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी का फिल्म फेयर दिया गया किशोर कुमार साहब को फिल्म सागर। 1985 बेस्ट लिरिसिस्ट कैटेगरी का पहला नॉमिनेशन दिया गया हसन कमाल साहब को फिल्म तवायफ। 1985 के बेस्ट लिरिसिस्ट कैटेगरी का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया अनजान साहब को फिल्म साहेब। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। 1985 के बेस्ट लिरिसिस्ट कैटेगरी का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया जावेद अख्तर साहब को फिल्म सागर। 1985 के बेस्ट
लिरिसिस्ट कैटेगरी में चौथा नॉमिनेशन दिया गया हसरत जयपुरी साहब को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। सुन सुन से बसुन, प्यार की धुन। 1985 के बेस्ट लिरिसिस्ट की कैटेगरी का पांचवा नॉमिनेशन दिया गया आनंद बख्शी साहब को फिल्म मेरी जंग। के बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर दिया गया वसंत देव साहब को फिल्म उत्सव के लिए। मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को। 1985 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पहला नॉमिनेशन दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को फिल्म सुर संगम। के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया आर डी बर्मन साहब को फिल्म सागर। के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को फिल्म प्यार झुकता नहीं। 1985 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का चौथा नॉमिनेशन दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को फिल्म मेरी जंग। 1985 के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया रविंद्र जैन साहब को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। 1985 के बेस्ट डायलॉग्स का फिल्म फेयर दिया गया डॉक्टर राही मासूम रजा साहब को फिल्म तवायफ। अरे सुनिए, क्या हुआ क्या हुआ? मुसविदा रख लिया है, कह रहे थे पढ़कर खबर करेंगे। अरे ये तो खूब खबर सुनाई, मान लीजिए आधा मैदान मार दिया भी आपने। मिठाई मिठाई खिलाने का इरादा है क्या? मिठाई क्या, आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए, अम्मी के हाथ का बना लखनवी खाना खिलाऊंगी आप। 1985 के बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर दिया गया गौतम घोष साहब को फिल्म पार। सरकार कहा बोलता है, जिस परिवार के लोग मारे गए हैं उस परिवार को सरकार 5,000 रुपया हर्जाना देने जा रही है। तो हम गांव ही चले जाते हैं, पता नहीं माँ बाबा का क्या हुआ होगा, बहुत चिंता लगा उनके लिए। 1985 के बेस्ट स्टोरी का पहला नॉमिनेशन दिया गया रंजन रॉय साहब को फिल्म साहेब। बाबूजी, मैं पूछने आ रहा था तुम वापस आई हो या नहीं। नहीं आता, साहेब का इतना बड़ा बलिदान तुम मुझसे छुपा कर रखती। बेस्ट स्टोरी का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया महेश भट्ट साहब को फिल्म जन्म। बेस्ट स्टोरी का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया जावेद अख्तर साहब को फिल्म अर्जुन। इसका छोकरा वो मालवंकर, मालवंकर करके ऑफिस बाबू बुड्ढा। हाँ, साला बाबू का छोकरा है और तुम साला हिजा लोगों से मार खा के आया। 1985 की बेस्ट स्टोरी का चौथा नॉमिनेशन दिया गया सी टी खानोलकर साहब को फिल्म अनकही। 1985 की बेस्ट स्टोरी का पांचवा नॉमिनेशन दिया गया के सिंह साहब को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। कमाल है, तुम लोग क्या जादू टोना जानती हो? क्यों साहब? अरे शहरों में तो यह भी पता नहीं चलता कि घड़ी का अलार्म कब बजेगा, और तुम लोग हो जो मुर्गे की बांग तक का पता लगा लेती हो। 1985 की बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर दिया गया डॉक्टर अलीम मसरूर साहब को फिल्म तवायफ। अरे कौन आ रही है? आप उनका नाम रहीम शेख है, कभी सुने लगा कि नहीं? नहीं तो आज सुन ले, अपुन है रहीम शेख,
मतलब रहीम दादा। अर्सन, ये छोकरी आज अखी रात इधर तेरी खोली में रहेगी, क्या समझा? ये लड़की खोली में क्या? 1985 के बेस्ट कॉमिक एक्टर कैटेगरी का पहला नॉमिनेशन दिया गया कादर खान साहब को फिल्म आज का दौर। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहां सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा, इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं, सुनने को रह क्या गया है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे? अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे से बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। 1985 के बेस्ट कॉमिक एक्टर कैटेगरी में दूसरा नॉमिनेशन दिया गया देवेन वर्मा साहब को फिल्म साहेब। उस दिन वो जेल वाले सीन के बाद मैंने चोपड़ा जी से उस प्लॉट के बारे में बात की। कौन कौन चोपड़ा? अरे चोपड़ा साहब, जिन्होंने वो टर्निंग ब्रेन और तराजू में मजदूर, वो अभी एक नई हीरोइन को लेके जो पिक्चर बनाए, वो दीपक आगा और सलमा प्राशर। दीपक आगा और सलमा प्राशर नहीं, सलमा आगा और दीपक प्राशर। हाँ हाँ, कोई भी प्रेशर हो, अब वो निका। 1985 के बेस्ट कॉमिक एक्टर कैटेगरी का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया अन्नु कपूर साहब को फिल्म उत्सव। सारा राजमहल विलास में डूबा होगा, हम उसी समय आक्रमण करेंगे, चारों ओर से हमारे सैनिक राजमहल की तरफ बढ़ेंगे। तुम एक जाने माने चंपी वाले हो, राजमहल में आसानी से घुस सकते हो। राजमहल में? 1985 के बेस्ट कॉमिक एक्टर कैटेगरी में चौथा नॉमिनेशन दिया गया अमजद खान साहब को फिल्म उत्सव। हमारा कामसूत्र तो सामान्य जन के लिए है, पर ये तो मानव कल्पना से परे है। इस विषय में मौन। 1985 के बेस्ट कॉमिक एक्टर कैटेगरी का फिल्म फेयर दिया गया अमजद खान साहब को फिल्म मां कसम। चक्रधारी चक्रधारी तड़ी पार तड़ी पार, चाय रख दो, ग्लास भी, ग्लास भी। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी अभी देर नहीं हुई है। 1985 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी का पहला नॉमिनेशन दिया गया तन्वी आजमी साहिबा को फिल्म प्यारी बहना के लिए। किस लिए साहब? तुमने आंखों में मेरे मन की बात पढ़ ली। सीता सुनो, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में दूसरा नॉमिनेशन दिया गया सुषमा सेठ साहिबा को फिल्म तवायफ। ये शादी की बात तू मुझ पे छोड़ दे, एक दिन ऐसी बहू लाऊंगा तेरे लिए कि तू देखती रह जाएगी। हाँ। कोई देख रखी है? देखी तो है, रखी नहीं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में तीसरा नॉमिनेशन दिया गया राखी जी को फिल्म साहेब। सिवाय साहेब के और बाबू जी की परेशानी का हाल उसने इस तरह से किया। 1985 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में चौथा नॉमिनेशन दिया गया मधुर जाफरी साहिबा को फिल्म सागर। तुमने दिल लगाओ, सब जान लोगे। कॉलेज के बाद अब तक क्या किया तुमने? इधर उधर घूमते रहे, अब तुम यहीं रहो। मैंने विक्रम से कह दिया है, वो तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा देगा। 1985 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में पांचवा नॉमिनेशन दिया गया अनीता कंवर जी को फिल्म जन्म। '1985 की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर दिया गया नूतन साहिबा को फिल्म मेरी जंग। तुम यहाँ कैसे?
भीख मांगने आई हूँ आपसे ठकराल साहब। मैं आप थोड़ी दया करेंगे ना मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। 1985 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी का पहला नॉमिनेशन दिया गया उत्पल दत्त साहब को फिल्म साहेब। कर्जदार तो मैं हूँ उसका। साहेब ने अपने गरीब बाप से कन्यादान का पुण्य करवाने के लिए अपने शरीर का एक अंग बेच दिया। नहीं बहू, कोई नहीं जाएगा उसे देखने, सिर्फ तुम और मैं। 1985 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में दूसरा नॉमिनेशन दिया गया सईद जाफरी साहब को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। ठंडी बाज बड़ी सख्त जान होती है, आसानी से नहीं निकलती। और रही तुम्हारे घर की बात, तो हम तो उस कोठे पे भी दोबारा नहीं गए जहाँ थूक दिया एक बार। और इस चौखट पे आज से कदम रखा तो कह लीजियो रखेल के टुकड़े खोर। पर एक बात याद रखना, मेरा तो कोई बेटा है नहीं। नरेन को कुछ हो गया तो तुम्हारी कुंडली के योग पलट के रख दूंगा मैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में तीसरा नॉमिनेशन दिया गया कुलभूषण खरबंदा साहब को फिल्म गुलामी। अबे तू मक्खन किसान का छोरा है ना, आता पता पूछ कर क्या करोगे हवलदार। मैंने जुर्म किया है, ले जाकर बंद कर दो मुझे जेल में, जैसे भगत सिंह को किया है। थैंक यू। भगत सिंह के तुम छल्ले, उठा अपनी किताबें और भाग जा स्कूल को। 1985 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में चौथा नॉमिनेशन दिया गया कमल हसन साहब को फिल्म सागर। मुना, के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में पांचवा नॉमिनेशन दिया गया अनुपम खेर साहब को फिल्म जन्म। राहुल ये रखो पैसे, मैं जानता हूँ तुम्हारी दादी ने जो कुछ किया ठीक नहीं किया, लेकिन वो मेरी माँ है, मैं कैसे डांट सकता हूँ उसको। 1985 के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया अमरीश पुरी साहब को फिल्म मेरी जंग। गवाह है योर ऑनर, एक ऐसा गवाह जो मुकदमे की खोई हुई इस कड़ी को जोड़ेगा। दीपक वर्मा के हाथों मिस्टर उबराय के हुए खून का चश्मदीद गवाह है मिस्टर प्रमोद वासवानी। 1985 की बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में पहला नॉमिनेशन दिया गया रति अग्निहोत्री साहिबा को फिल्म तवायफ। पता नहीं कमला मेरी कहानी का अंजाम है या बीच, मगर ये जरूर पता है किस कहानी का आगाज क्या है। ये कोई दो चार बरस की बात नहीं, परसों नरसों की बात है। 1985 के बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया पद्मिनी कोल्हापुरी जी को फिल्म प्यार झुकता नहीं। की बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया मंदाकिनी साहिबा को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। सब नहीं भैया, सिर्फ एक आया है जान जोखिम में डालने वाला, वो भी मेरी जान। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी। मेरी जिंदगी? अपने को तो संभालते नहीं बनता, मुझे अपने साथ कैसे ले जाओगे? तुम्हें? पर तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? अपने साथ, अभी तो कहा तुमने गंगा को लेने आए हो, मैं ही तो हूँ गंगा। 1985 की बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में चौथा नॉमिनेशन दिया गया जया प्रदा जी को फिल्म संजोग।
1985 की बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी का फिल्म फेयर दिया गया डिंपल कपाड़िया साहिबा को फिल्म सागर। क्या हुआ बेटे? राजा, राजा, क्या हुआ राजा? उठो ना राजा, कुछ बोलो ना राजा। पापा, पापा चाय में चूहे मारने का जहर था। मगर चाय में चूहे मारने का जहर क्या कर रहा था? चाय में तो चूहे जाते नहीं है। बात समझो ना पापा। क्या? मैं जल्दी में थी, इसमें चाय मांगी तो मैंने। अच्छा, 1985 के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में पहला नॉमिनेशन दिया गया ऋषि कपूर साहब को फिल्म तवायफ। जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो बांटी नहीं जा सकती। मसलन? मसलन के मेरी ही जिंदगी को ले लो। इसमें एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में ना मैं तुम्हें बता सकता हूँ और ना ही उस हादसे से निकल सकता हूँ। 1985 के बेस्ट एक्टर कैटेगरी का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया कुमार गौरव साहब को फिल्म जन्म। ये मैंने खाना है, अपने घर लाना है, ये मैंने। 1985 के बेस्ट एक्टर कैटेगरी का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया अनिल कपूर साहब को फिल्म मेरी जंग। यार वो बातें दिलाई जाती हैं जो आदमी भूल गया, लेकिन ये वो दुख है जो पल भर के लिए ना कभी तुम भूली हो ना मैं। याद है मुझे सब कुछ, बहुत अच्छी तरह याद है। 85 के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में चौथा नॉमिनेशन दिया गया अमिताभ बच्चन साहब को फिल्म मर्द। जितनी होती है अपने लिए काफी है मेम साहब, घोड़े को दाना मिल जाता है, अपने को खाना मिल जाता है। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। 1985 के बेस्ट एक्टर कैटेगरी का फिल्म फेयर दिया गया कमल हसन साहब को फिल्म सागर। के बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में पहला नॉमिनेशन दिया गया सुभाष घई साहब को फिल्म मेरी जंग। क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अरुण वर्मा, स्टॉप इट। बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी का दूसरा नॉमिनेशन दिया गया रमेश सिप्पी साहब को फिल्म सागर। बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया राहुल रवेल साहब को फिल्म अर्जुन। सपने टूटने से डरता हूँ। इसलिए तुमने मेरे बारे में अब तक कोई सपना नहीं देखा। घबराओ मत, अगर तुम मेरे बारे में सपना देखोगे तो मैं उसे टूटने नहीं दूंगी, ठीक है? गीता, तुम मेरे इतने पास मत आओ, दुख उठाओगी। क्या हूँ मैं? ना घर, ना बार, ना कोई रास्ता, ना कोई मंजिल और ना कोई सपना। तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी का चौथा नॉमिनेशन दिया गया महेश भट्ट साहब को फिल्म जन्म। ये भीगा भीगा जिस्म, ये भीगी आरजू। 1985 के बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया राज कपूर साहब को फिल्म राम तेरी गंगा मैली। साहब, यहाँ कैसे चले आए तुम? पहले ऐसा लगा ये वादियाँ मुझे पुकार रही हैं, फिर लगा इन मीठे झरनों की तान होगी, पर यहाँ तो सब सिमट कर तुम में आ गई है। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में पहला नॉमिनेशन दिया गया फिल्म तवायफ को। तुम खा लो, मैं खा के आया हूँ। असली बीवी होती तो तुम्हारे सर पर मारती। ये तो तवायफ ही है जो शराफत दिखा रही है। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में दूसरा नॉमिनेशन दिया गया फिल्म सागर को। मैंने बढ़िया करने का काम देखा, काम आ गई ना आज। ये बटन लाना कोई काम है? तुम कहो तो जान भी ले लूंगा, मतलब दे दूंगा। बेस्ट फिल्म कैटेगरी का तीसरा नॉमिनेशन दिया गया फिल्म मेरी जंग को। और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। आशा,
मैं तो कहूंगा कि अरुण साहब ने तुम्हें बचाया और उन्हें भगवान ने। 1985 की बेस्ट फिल्म का चौथा नॉमिनेशन दिया गया फिल्म गुलामी को। कार्रवाई पूरी करो, खोल लो बैलों की जोड़ी। खबरदार तो कदम आगे बढ़ाया, देखता हूँ किसकी मजाल है जो बैल ले जाए। हाथ तोड़ के रख दूंगा। ये बैल किसान के दो हाथ है। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में पांचवा नॉमिनेशन दिया गया फिल्म अर्जुन को। गंगा, 1985 की बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर दिया गया फिल्म राम तेरी गंगा मैली को। जैसा सीखा होगा वही करेंगे ना। और शहर से तो मैं भी आया हूँ। तुम कपड़ों से शहरी हो साहब, मन से नहीं, वरना गंगा में इतना विश्वास नहीं करते। दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। इन द मीन टाइम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, इनको शेयर कीजिए।